वगैरह तो देखते हैं ना, उनकी बहुत ज्यादा क्या होती है, मसल्स होती है। तो हम देखेंगे मांसपेशीय, मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर मतलब मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम मतलब, ठीक है ना। मसल्स मीन्स होता है हमारी मांसपेशियां, हमारी बॉडी के ऊपर आपके कई बार लग जाती है लोगों को, तो हम कहते हैं ना उसका मांस फट गया, मांस दिखने लग गया। हमारी बोन्स के ऊपर मांस चढ़ा होता है, कवर होती है हमारी बोन्स मसल्स से, मांसपेशियों से। इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स अटैच टू द बोन्स। मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, मसल्स होती हैं, और वो मसल्स किससे अटैच होती है, बोन्स से, ठीक है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स अटैच्ड टू बोन्स, बोन्स से अटैच होती हैं। अलोंग विद द बोन्स द मसल्स हेल्प द बॉडी टू मूव। अब देखो बोन्स के साथ मसल्स जो है हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है। अलोंग विद द बोन्स मसल्स हेल्प आवर बॉडी टू मूव। मसल्स हेल्प करती है हमारी बॉडी को मूव होने में। मस्कुलर सिस्टम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स, ठीक है ना, बोन्स से अटैच होता है। एंड अलोंग विद द बोन्स मसल्स हेल्प आवर बॉडी टू मूव। मसल्स हेल्प करती है हमारी बॉडी की मूव होने में। आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है ना, वो देख लीजिए, ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, अवर नेक्स्ट इज, अब हम कौन सा सिस्टम देखेंगे, नेक्स्ट सिस्टम हम देखेंगे डाइजेस्टिव। देखो आप लोग खाना खाते हो है ना, तो उस खाने को पचाने का काम कौन करता है, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम देखेंगे अब हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बेटा वो ऐसा तो नहीं होता ना कि रोटी मुंह में ली पच गई, कुछ भी खाया पच गया, नहीं होता। डायरेक्टली हमारी बॉडी किसी भी चीज को पचा नहीं सकती, उस चीज को जो भी हम खा रहे हैं उसको सिंपल बनना जरूरी है बॉडी में, ठीक है ना। फूड सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, तो उसको पचाने के लिए उसके सिंपल फॉर्म बनाना जरूरी है, जो कौन बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, ठीक है ना। हमारे फूड को छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, जिससे हमारा फूड ना हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इस सिस्टम के ऑर्गन्स हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दिस सिस्टम ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अब फूड डाइजेस्ट हो गया, फूड के डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी भी तो लेनी है, एनर्जी लेने के लिए क्या होगा, ब्लड जो है उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम हेल्प करता है, दिस सिस्टम ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। उस पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब सोखने में भी यही सिस्टम हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाए,
एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सिस्टम। हमारा नेक्स्ट सिस्टम इज कौन सा सिस्टम है? सर्क्यूलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? सर्क्यूलेटरी सिस्टम। देखो सर्क्यूलेटरी का मतलब वही जैसे आपको लग रहा होगा कि सर्कल घूमना है ना, तो यस हमारा ब्लड हमारी बॉडी में घूमता ही तो रहता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, दूसरे से कहीं और, है ना। तो ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें को हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। या आप सर्कुलेटरी सिस्टम याद कर लो, जिसमें ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो देखो इस सिस्टम के, हमारी बॉडी में हार्ट भी है, ब्लड भी है, ब्लड वेसल्स भी है ना। तो देखो इस सिस्टम के बहुत पार्ट्स जो है, कौन कौन पार्ट्स है? मेनली हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स फॉर्म्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। हार्ट हमारा, हार्ट आपको पता है हृदय, ब्लड मींस खून या रक्त, और ब्लड वेसल्स मतलब होता है रक्त वाहिकाएं, यानी कि वो छोटी छोटी पाइप्स होती है जो हमारे हार्ट से जुड़ी हुई है। इस हार्ट से वो प्योर और इम्प्योर ब्लड को लेती है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को लेती है ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट पंप द ब्लड विच इज कैरिड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ब्लड को पंप करता है इन ब्लड वेसल्स में, इन ब्लड वेसल्स में ब्लड को भेजता है, और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जाती है, जुड़ी हुई होती है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, और उन अलग 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 पार्ट्स को क्या पहुंचाती है? ब्लड पहुंचाती है, ऑक्सीजन भी पहुंचाती है। ठीक है ना, ब्लड सप्लाईज ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करता है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी देता है हमारे बॉडी के पार्ट्स को। तो ठीक है, क्या क्या करता है? ब्लड पंप्स, ब्लड पंप्स द ब्लड, सॉरी हार्ट नॉट ब्लड, हार्ट पंप द ब्लड टू द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। ठीक है ना, टू ब्लड, हार्ट पंप द ब्लड विच इज कैरिड बाय ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड वेसल्स कैरी करती हैं ब्लड को। ठीक है, ऑल्सो सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है एंड न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स forms the circulatory system. Heart pumps the blood which is carried out by the blood vessel. Heart क्या करता है? Blood को pump करता है। कहाँ पर? Blood vessels में। जो क्या करती है blood vessels? उस blood को body के different parts में लेकर जाती है। Blood supply करता है oxygen की और दूसरे nutrients की body के अलग अलग parts तक। I hope कि आप सभी को इतना clear है।